राम राम जी सभी को। आज ही आप मेरा हाल देख सकते हो, कितनी पसीने में हो रखी हूँ, क्योंकि आज हो गया था मेरा सिलेंडर खत्म। इसको मैं लगाने में नू देख लो माँ 15 मिनट तो पक्का हो गई होंगी। इसको मैं बार बार लगा रही हूँ तो ये मेरे से लग ही नहीं रहा था। तो मैं थक के बैठ गई थी, मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, और हाथों में भी इससे जैसे गंदे से हो गए थे। इस सिलेंडर बहुत दिनों का ये भरा रखा था, उस घर से ही लेके आए थे भरे भराए को। तो मैंने करती रही इसको, जब इसको सिलेंडर को लगाऊं, इसको ऊपर की तरफ पुश करूं और इसको लगाऊं तो ये फिर ऐसे खींचूं तो ये निकल जाता था। तो बहुत ही परेशान हो गई थी, ये भी डर रही थी कहीं मैं लगा दूं और इसमें मैं गैस चलाऊं और वो हो जाए ना, लीक हो जाए, तो इसलिए मेरे को बड़ा डर लग रहा था। फिर मैं छोड़ के ना बैठ गई थी, फिर मैंने देखी वीडियो और मखा कैसे लगाते हैं। पहले तो सोचा किसी को बुला लेती हूँ, इसके पापा जी तो सो रहे हैं, उनको तो उठाया नहीं। मैंने सोचा पड़ोसन को बुला लेती हूँ, उनकी नाइट ड्यूटी थी इसलिए नाइट ड्यूटी करके सो रहे हैं, पड़ोसन को बुलाऊँगी मखा। फिर मैंने सोचा नहीं पड़ोसन को बुलाऊँगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं खुद ही करके देखूँ इससे। तो खुद फिर प्रैक्टिस करी, फिर भी नहीं हुआ। बार बार प्रैक्टिस करती रही तो फिर मैंने किया, मखा वीडियो देख लेती हूँ तो सिलेंडर कैसे लगाते हैं, और ही चढ़ा रही थी उसको। तो मैं भी इसको निकाल के तो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मेरे से लगा है। तो मैंने उसकी वीडियो देखी आराम से सारी, फिर अपने इसको रेगुलेटर को निकाला, इसको देख के ना देखते देखते फिर मैं करने लगी। तो इसका जो ये होता है ना, ये जब निकालते हैं हम तो इसको बिल्कुल बंद करके देखो, मेरे हाथों में जंग वंग सा लग रहा है इसका सिलेंडर का। तो इसको है ना, ये पिन सी नहीं होती है, अब तो हमने ये ऊपर की तरफ कर रखी है तो ठीक, हमने क्योंकि मैंने ये अभी अभी रेगुलेटर डाला है, तो जब हम इसको बंद करते हैं और इसको निकालते हैं खाली हो जाता है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको निब को नीचे की तरफ करेंगे और इसको हम पुश करेंगे, इसको अंदर ऐसे दबा के अंदर की तरफ न खींच के निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसको हमेशा नीचे की तरफ करें, नीचे कोई बंद हो जाता है तभी निकालें इसको। अच्छा, फिर मैंने किया, इसको मैं बीच में करके डाल रही थी, तो उसने जो वीडियो मैंने देखी तो उसने बताया कि ये जो ये नोक होती है इसको ऊपर की तरफ करो। कर लिया पहले इसमें लगाने के बाद, नहीं पहले ऊपर को करके फिर इसको हमने ऐसे अंदर की तरफ दबा के फिर इसके ऊपर डाल के निप्पल पे, और मैंने ऐसे पुश करा, धकेल दिया इसकी तरफ ने, तो ये है ना अपने आप ही इसमें फिट हो गया और एक कट की आवाज़ आई। जब तक कट की आवाज़ नहीं आती है तब तक मानो कि सिलेंडर चालू नहीं हुआ है, और फिर इसमें कट की आवाज़ आई। तो अब देखो गाइस, मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, कहीं आपके सामने निकल ना जाए। ये मैंने बंद कर दिया और इब मैं इसको बार बार देखना, सिलेंडर को उठा उठा करके देख रही हूँ, देख नहीं निकलता, नहीं निकलता ना, ऊपर ले ऊपर ले को। अगर ये सफ़ेद वाले लीड को निकाल ऊपर की तरफ वो करोगे ना तो निकल जाएगा। बस हमने इसे रेगुलेटर को ही ऐसे खींच खींच करके देखना है। तो अब ये पूरी तरह से हो गया है फिट। अब मैं इसे इसके इसका घर है यहाँ पे रख देती हूँ। तो इसको रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले है ना इसके ऊपर ये पन्नी से बिछा देती हूँ, ताकि इस पे फरस के ऊपर ये जंग सा ना लगे सिलेंडर का। तो ये पन्नी मैंने पहले भी बिछाई थी, अब फिर बिछा देती हूँ। देखना जो ये चीज़ होती है ना, ये उतर नहीं पाती है फिर, तो इसलिए सिलेंडर के नीचे पन्नी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिलेंडर के नीचे मैंने लगा दी है पन्नी, अरे मैं सिलेंडर को यहीं पर रख दूंगी। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ और पी लूँ। तो सिलेंडर हो गया अपने घर के अंदर फिक्स। अब इसको देती हूँ खोल, क्योंकि ये बंद था तो ये खोल दिया है। बार बार डर सा बनया हुआ है, कदे फिर ना खुल जा, लेकिन अब पूरी तरह से ये फिट अब नहीं खुलेगा। चलाते हैं गैस, इस पर रखती हूँ मैं चाय बनने के लिए। अब हाथ धो लेती हूँ,
आपके बहुत गंदे हाथ हो गए थे। पसीने में हो गया पूरा, एक बार तो नहा के मैंने पूजा कर दी है और कपड़े चेंज करना गई मैं भूल, तो ये दूसरे जोड़ी भी कपड़े गंदे हो जाएंगे क्योंकि पोचा लगाना है अभी। पोचा नहीं लगा, सारे घर में बर्तन मांजूंगी, फिर पानी भी चल रहा है, वो पहले चाय पीऊंगी, चाय पीने के बाद ही कुछ काम कर पाऊंगी। तो मैं डाल दिया है दूध, ये धीमी धीमी आंच पर बढ़ जाएगी, ये बनती रहेगी जब तक मैं बर्तनों को साफ करती हूँ। तो वीडियो को अब देखती हूँ मैं विराम, सभी आ जाओ, सुबह की गुड मॉर्निंग, चाय पी जाओ। जय श्री राम।